हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के प्रमुख शासकों का विवरण। तो इससे पहले हमने मेवाड़ राज्य का इतिहास समझा था, आज की क्लास में हम मेवाड़ के प्रमुख शासकों का विवरण समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। तो फ्रेंड्स, आज हम रावल रतन सिंह के बारे में सबसे पहले अध्ययन शुरू कर दें। जैत्र सिंह के वंशज समर सिंह के दो पुत्र थे, जो हमने पहले अध्ययन किया था उसमें जैत्र सिंह, इसके वंशज समर सिंह के जैत्र सिंह का वंशज था, समर सिंह इसके दो पुत्र थे, दो पुत्र, एक था रत्न सिंह और दूसरा था कुंभकर्ण। समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह और दूसरा था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया। कहाँ चला गया? नेपाल। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहाँ इस राजवंश की नींव डाली। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। रतन सिंह कहाँ का राजा बना? मेवाड़ का। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम शाका था। जो रतन सिंह था, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना क्या थी? किसके? रतन सिंह रावल, रावल शाखा थी। इसमें रावल रतन सिंह, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना थी चित्तौड़ का प्रथम शाखा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा। अब चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा जो हुआ था, इसमें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किसने? दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब कब आक्रमण किया? 28 जनवरी 1303 ईस्वी में। 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। वह 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला फतह किया। किला कब जीता? 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ पर विजय। कितना टाइम लगा? लगभग 6 महीने। यानी 7 महीने। कितना हुआ? लगभग
सात महीने का जो युद्ध चला इसमें 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का किला फतह कर लिया। मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार इसका एक रचना है पद्मावत। इस पद्मावत के अनुसार युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ। ये जो युद्ध हुआ किसके लिए हुआ? पद्मिनी के लिए। और पद्मिनी कौन थी? रावल रतन सिंह की पत्नी। मलिक मुहम्मद जायसी का जो पद्मावत जो रचना है इसके अनुसार पद्मिनी के लिए युद्ध हुआ ऐसा बताया गया है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए व रानी पद्मिनी ने जौहर किया। रानी पद्मिनी ने क्या किया? जौहर। इस युद्ध में गोरा व बादल दो वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? गोरा व बादल दो वीर युवक थे, इन्होंने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एवं वीर गति को प्राप्त हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। अब चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? खिजर खां। ये कौन था? अलाउद्दीन का पुत्र इसे चित्तौड़ का किला सौंप दिया और चित्तौड़ के दुर्ग का नाम क्या कर दिया? क्या कर दिया? खिजराबाद। किसके नाम से किया? खिजर खां के नाम से खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ के प्रथम शाके में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस युद्ध में अमीर खुसरो जो था ये कौन था? प्रसिद्ध इतिहासकार। वह कवि ये किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो ये अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ये जो हुआ रावल रतन सिंह के समय में, तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था और ये राजस्थान का दूसरा शाखा था। ध्यान रखना, चित्तौड़ का तो प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा। ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा शाखा ये
चित्तौड़ में हुआ और ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। रानी पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर सेन की पुत्री थी। रानी पद्मिनी कहाँ की थी? सिंहल देश के राजा गंधर सेन की पुत्री। ये भी ध्यान रखना, सिंहल देश और गंधर सेन इसकी पुत्री थी रानी पद्मिनी। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के जो मुख्य कारण थे वह कौन कौन से रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के मुख्य कारण कौन कौन से रहे हैं? पहला है अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, तो वह महत्वाकांक्षी था और साम्राज्य का विस्तार करना उसकी मनोवृत्ति थी। दूसरा कारण यह है चित्तौड़ की सामरिक महत्व भौगोलिक स्थिति। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति, तो यानी जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो दिल्ली से मालवा व गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला मुख्य मार्ग इसी के पास से होकर गुजरता था, इसलिए चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व भी है और भौगोलिक स्थिति भी इसके अनुकूल है। इसलिए खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया। और तीसरा एक कारण था रावल रत्न सिंह की सुंदर रानी को प्राप्त करने की लालसा, पद्मिनी। तो ये इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के मुख्य कारण बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने रावल रतन सिंह के बारे में अध्ययन किया और भी हम आगे अध्ययन जारी रखेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए काफ़ी। तो हमने आज की क्लास में मेवाड़ के प्रमुख शासकों में रावल रत्न सिंह के बारे में अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजार को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।